निर्वाचित मुख्यमंत्री निजुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपणकर अनुमति कामना करुछि। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मो विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी। ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतरकरणे निर्वाह करिबी एवं बिना भय बा पक्षपात रे, बिना अनुराग बा देश रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय प्रदान करिबी। मो श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे जो विषय राज्यर मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हब, ताहाकु एपरी मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्तिमानंकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। धन्यवाद। चरण माझी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में पहले मुख्यमंत्री, तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री अब मोहन चरण माझी हो चुके हैं। संघ के कार्यकर्ता, सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुजी, फिर सरपंच और उसके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री तक का सफर, और अपने आप में ये सफर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। मोहन चरण माझी, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे किया गया, विधायकों की तरफ से उन्हें अपना नेता चुना गया, और एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी मोहन चरण माझी का। और अब इस वक्त शपथ ग्रहण करते हुए आगे की जो प्रक्रिया है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मोहन चरण माझी ओडिशा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री, क्यूंझर से उन्होंने चुनाव जीता। श्री रघुवर दास श्रीमान निर्वाचित मंत्री मानकर नियुक्ति आदेश पाठ करने निमित्त मु आपनको अनुमति कामना करुछि। और अब कनक वर्धन सिंह देव डेप्यूटी सीएम के पद पर मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंक नारे शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी, भारतर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करिबी। ओडिशा राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करिबी एवं बिना भय व पक्षपात रे, बिना अनुराग व द्वेष रे सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करिबी। मो कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंक नारे शपथ करुछि जे जो विषय राज्यर उपमुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजिब बा मते ज्ञात हेब, ताहाकु एपरी मंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्भय निमित्त जेपरी आवश्यक हेब प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जनेबी नहीं बा प्रकट करीबी नहीं। कनक वर्धन सिंह देव डेप्यूटी सीएम के पद पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। बुलांगीर के राज परिवार से आते हैं। बुलंदशहर ज़िले के पटनागढ़ से चुने गए हैं। नवीन पटनायक सरकार ने साल 2000 से 2004 तक उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, साल 2004 से 9 तक शहरी विकास और सार्वजनिक उद्यम के मंत्री रह चुके हैं। 2013 से 16 तक वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब इस नई सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी डेप्यूटी सीएम के तौर पर कनक वर्धन सिंह को मिली और प्रभाती परिदा डेप्यूटी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करेंगी। मो श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वर नाम शपथ करूँगी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करी, ओडिशा राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्य श्रद्धा और शुद्ध अंतकरण रे निर्वाह करी एवं बिना भय बा पक्षपात बिना अनुराग बा देश सबु प्रकार लोकंक प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम शपथ करूँगी जे जो विषय राज्यर उप मुख्यमंत्री रूपे मोर विचार को अणाजीव बा मोते ज्ञात हेब ताहाकु एपरी उप मुख्यमंत्री रूपे मोर कर्तव्यर समुचित निर्वाह निमित्त जेपरी आवश्यक हेब तत् भिन्न प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे कौनसी व्यक्ति बा व्यक्ति मानकु जणाइबी नाही बा प्रकट करिबी नाही। प्रभाती परिडा जो कि डेप्यूटी सीएम बनी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान पहली बार उन्होंने चुनाव जीता, निमापारा सीट से जीत कर वो आई। हाईकोर्ट में वकील के तौर पर उन्होंने काम किया और उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली और अब बारी बारी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शपथ ग्रहण करते हुए ईश्वर नाम शपथ करूँगी जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखी, भारतर सार्वभौमत्व एवं अखंडता रक्षा करी। तो मोहन चरण माझी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, बीजेपी के पहले सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री उड़ीसा के बने हैं। बड़ी जानकारी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। एक लंबा राजनीतिक अनुभव, संघ कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया, फिर सरपंच और फिर सीएम की कुर्सी तक वो पहुंचे। और पहले ही कहा जा रहा था कि बीजेपी सीएम के चयन में यहाँ पर चौंका सकती है और उसके बाद इनका नाम सामने आया। मोहन माझी क्योंझर जिले के झोपुड़ा ब्लॉक के रायकोड़ा गांव के रहने वाले हैं। बीजेडी की वीणा माझी को 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। साल 2019, 9 और 2000 में भी विधायक रह चुके हैं और अब राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसी के साथ उड़ीसा में माझी राज आज से शुरू।